أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज अबाउट डायस्क्राइड्स। And the oligosaccharides. Previous मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड पढ़ाया था। Today we are going to study about the disaccharides. Student, disaccharides अगर हम बात करें तो उसकी जो given example हैं this is the maltose. Here also that is the sucrose. Here also this is the lactose. In case of the maltose, glucose plus glucose आपस में मिलते हैं और उनके दरमियान 1,4 glycosidic linkage बनता है। आपके एग्जाम्स के लिहाज से ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। सुक्रोज दैट इज एक्चुअली द ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और इनके दरमियान जो लिंकेज है वो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और तीसरे नंबर पे जो हम डाइसैकेराइड के एग्जांपल दे रहे हैं दैट इज लैक्टोज जिसमें ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज शामिल हैं और इनके दरमियान 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले मैं ये अंडरलाइन करूंगा फॉर योर एमसीक्यू। ये पॉइंट आपके एज एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये पॉइंट एज एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये पॉइंट एज एमसीक्यू पूछा जाता है। यहाँ पे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मेक द लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मेक द सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मेक द माल्टोज। दीज आर ऑल द डाइसैकेराइड। इनका जो जनरल फार्मूला होता है अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C6H12O6 आपस में मिल रहे हैं तो हेयर आई विल राइट दैट दिस इज द C12H22O11। यानी मैंने जनरल फार्मूला क्या लिखा डाइसैकेराइड का, मैं डाइसैकेराइड के जनरल फार्मूले में बात कर रहा हूं कि CnH2O(N-1) यानी क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रही है किसकी बेटा, एक वाटर के मॉलिक्यूल की, जिसकी वजह से फार्मूला क्या बन जाता है C12H24 के बजाय 22 और O12 के बजाय O11। दिस इज द फार्मूला फॉर ओनली द डाइसैकेराइड दैट इज नॉट फॉर ओलिगोसैकेराइड। फर्दर हम लोग इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आगे। अब देखिएगा इन केस ऑफ दिस हमने माल्टोज के बारे में पढ़ा, माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं, मैं यहां पे राइट कर रहा हूं माल्टोज दैट्स आल्सो द माल्ट शुगर। सेम लाइक दैट जो सुक्रोज है सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, ये कॉमन नेम है बाजुकात पूछ लिए जाते हैं। और हेयर इन केस ऑफ द लैक्टोज, लैक्टोज क्या है दैट इज मिल्क शुगर। डाइसैकेराइड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता चला जाऊं
कि डाइसेक्राइड में टू मोनोसेक्राइड हैं, टू मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो डाइसेक्राइड्स बनते हैं। अगर हम ओवरऑल ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो आप देखें टू टू टेन आपकी बुक लिखती है कि मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं इन द ओलिगोसेक्राइड। मैं एग्जांपल दूंगा आपको रेफिनोज की, रेफिनोज दैट इज अ ओलिगोसेक्राइड, ये एक ओलिगोसेक्राइड है जिसमें मौजूद हैं एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज। यानी आप यहाँ पे देखें कितने मोनोसेक्राइड हो गए, कितने सब यूनिट हो गए, कितने मोनोमर हो गए, तीन। इसी तरह आगे टेन तक चले जाएंगे। तो ज़रा हम देखते हैं डायग्रामेटिकली इन केस ऑफ द माल्टोज। आप देखिएगा हेयर दिस इज द माल्टोज। अगर मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाऊं, रिंग स्ट्रक्चर, तो आप देखें यहाँ पर ऐसे फर्दर एक और रिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो यू कैन सी हेयर, ये मैंने रिंग स्ट्रक्चर बनाई, दोनों ग्लूकोज हैं। अगर मैं कार्बन के नंबर लिखूं तो यहाँ पे कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर, कार्बन नंबर फाइव और यहाँ पे कार्बन नंबर सिक्स। सेम एज इट, कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पे कार्बन नंबर सिक्स। अब जो चीज़ें आमने सामने आ रही हैं आप देखें यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पर भी H और OH, यानी OH आ गए दोनों किसके सामने, एक दूसरे के सामने। तो क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रही है किसकी बेटे, वाटर की। और आप देखें स्ट्रक्चर क्या बन गई, इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर यू कैन सी इनके दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। चूंकि ये कार्बन नंबर वन और फोर के दरमियान है तो लिहाजा हम इसे कह रहे हैं दिस इज द वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे मैंने जो आप बच्चों को एक बात समझानी है वो ये है, मैं पहले इन केस ऑफ मोनोसेक्राइड समझा चुका हूँ आपको कि सिंपल सा फार्मूला होता है ग्लूकोज के केस में। अगर आप देखें कार्बन नंबर वन के साथ ओ एच ऊपर है, एच नीचे है, तो इसे हम लोग कह रहे होते हैं बीटा ग्लूकोज। बीटा आप बर्ड से याद कर लें, बीटा बर्ड से। अगर यही पोजीशन ऐसे हो कि यहां पे एच हो और यहां पर ओ एच हो कार्बन नंबर वन के साथ, तो एनिमल, एनिमल नीचे होते हैं, आप इसे अल्फा याद रख लें। तो अक्सर मैं बता रहा होता हूं कि बीटा बर्ड्स ओ एच ऊपर होगा, अल्फा एनिमल्स ओ एच नीचे होगा। तो आप देखें यहां पे माल्टोज क्या है, बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। समझाना क्या था, कन्फॉर्मेशन समझानी थी। जरूरी नहीं है कि हर दफा ओ एच और ओ एच ही हो, यहां पे एच हो सकता है, यहां पे ओ एच हो सकता है। आप देखें स्ट्रक्चरल चेंज आ रही है फिर भी वाटर का एलिमिनेशन होगा, लेकिन समझाना क्या था कि बीटा कब कहेंगे और अल्फा कब कहेंगे। ये वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इसी तरह से आप देखें इन केस ऑफ सुक्रोज, मैं डायग्राम बनाऊंगा जरा देखिएगा, ये ग्लूकोज है और आपको लास्ट टाइम बताया था कि ग्लूकोज के दरमियान जो जो ग्लूकोज का रिंग होता है उसे हम ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं ग्लूकोपाइरानोज, कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। अब यहां पे ये केमिकली रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, फ्यूरॉन रिंग के साथ, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्रुक्टो फ्यूरानोज। रिंग कौन सा है, फ्यूरॉन रिंग। आप देखें यहां पर
ये कार्बन वन है, ये कार्बन टू है, ये कार्बन थ्री, कार्बन फोर, कार्बन फाइव, कार्बन सिक्स, यानी चार कार्बन रिंग के अंदर हैं और दो कार्बन बाहर हैं। होना क्या है कि यहां पर इसके और इसके दरमियान, यानी एक चीज नोट करें कि एल्डिहाइड के दरमियान और OH के दरमियान दोनों फंक्शनल ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। और आप देखें जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कौन से है, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप देखें जो माल्टोज था, दिस वाज द रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर मोर रिएक्टिव होती हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में जब हम इसे डालते हैं तो ये एल्डो और कीटो फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, बट इन केस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज वो ओनली यूनो के डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में यील्ड नहीं करते एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप को। रीजन क्या है, सिंपल लॉजिक है, आप देखें कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू दोनों जिनके पास फंक्शनल ग्रुप थे दोनों इंगेज हो गए किस में, इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन में, कीटो भी इंगेज हो गया, एल्डो भी इंगेज हो गया, तो किसी किस्म का कोई वाटर एलिमिनेट सुक्रोज में नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं कि ये 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप इंगेज हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में किसी किस्म का कोई एल्डिहाइड या कीटो जो है ये रिलीज नहीं करेंगे। सेम लाइक दैट बेटे, हमने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ी थी, दिस वॉज द लैक्टोज, और लैक्टोज में हम लोगों ने बात की कि इसमें अगेन ग्लूकोज, हेयर मैं रिंग बना रहा हूं ग्लूकोज, और यहां पे मैं रिंग बना रहा हूं, दिस इज द ग्लैक्टोज। इनमें भी क्या हो रहा है, कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर के दरमियान लिंकेज बन रहा है, यानी लैक्टोज भी क्या शो करेंगे, 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे या लिंकेज शो करेंगे। तो दिस वाज अबाउट द डाइसैकेराइड जिसमें मैंने आपको पढ़ाया, तीन एग्जांपल दी। पहली एग्जांपल में मैंने माल्टोज, फिर सुक्रोज, फिर लैक्टोज, और इन एग्जांपल में मैंने आपको रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बताया कि माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर हैं, मोर रिएक्टिव हैं, जबकि सुक्रोज लेस रिएक्टिव हैं, वो कीटो और एल्डो ग्रुप इंगेज हो जाते हैं, लिहाजा उनमें बॉन्डिंग भी 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। कॉमन नेम का जिक्र किया, इनके नंबर बताए, इनके जनरल फार्मूले का जिक्र किया, फिर ओलिगोसैकेराइड में रेफिनोज की एग्जांपल दी, उसके बाद इनकी कुछ स्ट्रक्चर्स को यहाँ ड्रा किया आपको लिंकेज शो करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलीसैकेराइड। स्टूडेंट आप देखें, इन केस ऑफ पॉलीसैकेराइड मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इनका जो जर्नल फार्मूला है वो सेम है जो कि कार्बोहाइड्रेट का था, CXH2OY, जिसमें X एंड Y सेम नंबर भी हो सकते हैं और वेरी भी कर सकते हैं। फर्दर हम लोगों ने बात की थी कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ मोनो यूनिट होते हैं। पॉलीसैकेराइड को हम टू बेस पर क्लासिफाई करते हैं, नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ मोनो यूनिट। याद रहे यहां पे मोनो यूनिट से मुराद मैं सेम यूनिट की बात कर रहा हूं। ऑन दिस बेस हम पॉलीसैकेराइड को डिवाइड करते हैं इनटू होमो पॉलीसैकेराइड्स एंड इनटू हेटरो पॉलीसैकेराइड्स।
एग्जाम्पल दूंगा। होमोपोलीस्क्राइड में सबसे पहले बात करूंगा स्टार्च आ जाता है। आप देखें स्टार्च तमाम का तमाम ग्लूकोज से मिलकर बनता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, ग्लूकोज के ऊपर मुश्तमल होता है। सेम लाइक दैट सेलुलोज आ जाता है, ग्लूकोज की चेन है। काइटिन आ जाता है, ग्लूकोज की चेन है। अब यहाँ पे बच्चे घबराहट का शिकार हो जाते हैं, बेटा ये एन एसिटाइल ग्लूको एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन स्ट्रक्चर होती है जो कि तमाम ग्लूकोज में मौजूद होती है, मोनो यूनिट है, सेम यूनिट है। जबकि हेट्रोपोलीसेक्राइड में हम जिक्र करते हैं अगर का, जिसे आप एगर कहते हैं, पैक्टिन का, हेमी सेलुलोज का, डेक्स्ट्रिन का एंड फर्दर डेरिवेटिव जो हैं जो सेम यूनिट नहीं होते, एक से ज़्यादा यानी इसमें ग्लूकोज के अलावा अदर कंपोनेंट भी शामिल होते हैं। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम यूनिट। यहाँ पे अगर मैं क्लासीफाई का जिक्र कर दूँ कि हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले आप देखिए हमने बात किया एट द बेस ऑफ सेम यूनिट, जो होमोपोलीसेक्राइड हैं उनके पास सेम यूनिट है ग्लूकोज, और जो हेट्रो हैं उनके पास ग्लूकोज के अलावा फर्दर कंपोनेंट भी मौजूद होते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कर लें बेटर रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कुछ स्ट्रक्चरल होते हैं पॉलीसेक्राइड और कुछ क्या हैं, स्टोरेज हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है काइटिन है, सेलुलोज है, जिसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। स्टोरेज की बात करें तो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग स्टडी करते हैं स्टार्च को। इन केस ऑफ द स्टार्च यू नो दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स के ट्यूबर्स हैं एटसेट्रा, उनमें स्टार मौजूद होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देखें ऑन द बेस ऑफ हाइलम, दिस इज द हाइलम, यहां पर ये सारे का सारा स्टार्च है। अब सम टाइम इन केस ऑफ पोटैटो एक से ज्यादा हाइलम मौजूद होते हैं ऐसे, और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। तो ये सिंपल स्टार्च हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च हैं ऑन द बेस ऑफ हाइलम। स्टार्च क्या हैं? स्टार्च जो हैं दीज आर स्टोरेज ग्लूकोज, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। मैं लिख देता हूं कि दीज आर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड हैं। दूसरी बात, होमोपोलीसेक्राइड हैं। मैं होमोपोलीसेक्राइड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों इन केस ऑफ स्टोरेज एंड इन केस ऑफ होमो स्टोरेज इसलिए कह रहा हूं कि ट्यूबर पोटैटो शुगर बीट वगैरह ऑन द बेस ऑफ हाइलम स्टार्च को स्टोर कर रही है, और होमो इसलिए कह रहा हूं कि ग्लूकोज के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर स्टार्च बनाते हैं। अब स्टूडेंट स्टार्च को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू फर्दर क्लासिफिकेशन, एमाइलोज जो हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, फर्दर एमाइलो पैक्टिन, और इन केस ऑफ एमाइलो पैक्टिन चाहे हॉट वाटर है चाहे कोल्ड वाटर है ये डिसॉल्व नहीं होते, ये आपने जहन में रखना है, आपका एमसीक्यू है। फर्दर हम लोग बात करेंगे कि जो स्टार्च हैं, इन केस ऑफ दिस स्टार्च
जो एमाइलोज है, एमाइलोज में जो बॉन्डिंग है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यानी आप देखें हंड्रेड्स की तादाद में जो ग्लूकोज हैं वो ऐसे क्वाइल हुए हुए होते हैं इन लीनियर फॉर्म। ये ग्लूकोज हैं लीनियर फॉर्म में एमाइलोज बना रहे हैं। जबकि इन केस ऑफ द एमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये ब्रांच्ड होते हैं। यानी क्या मतलब, इनमें ये क्वाइल फॉर्म में ग्लूकोज हैं जिनके दरमियान 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। मैं लिख देता हूं, दैट इज द 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस लिंकेज के अलावा इनके साथ ब्रांच्ड भी अटैच होती हैं। यू कैन सी हेयर, दैट इज द ब्रांच। और ये जो ब्रांच्ड है इनका लिंकेज होता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज द 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इनके पास 1,4 भी हुआ और 1,6 भी हुआ, दोनों बॉन्डिंग मौजूद हैं। अगर हम आयोडीन के साथ इनका टेस्ट कराएं तो आयोडीन टेस्ट में ये जो कलर शो करते हैं, दिस इज द ब्लू डार्क ब्लू और ब्लैक, ये कलर शो कर रहे होते हैं। स्टूडेंट स्टार्च के बाद हम अदर स्टडी करेंगे अबाउट द ग्लाइकोजन। इन केस ऑफ द ग्लाइकोजन जरा नोट कीजिएगा, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। इन्हें एनिमल स्टार्च क्यों कहा जा रहा है, रीजन ये है कि ये भी स्टोरेज फॉर्म है, ये भी होमो पॉलीसेकेराइड्स हैं, एक ही मोनो यूनिट के बने हुए होते हैं और इनके दरमियान 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है, दोनों मौजूद होते हैं। फर्क क्या है कि 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो हैं उनकी वजह से हम इसे हाईली ब्रांच्ड कहते हैं। यूएचएस में बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमाइलोपेक्टिन विच रिजेंबल विद ग्लाइकोजन, इन दोनों में हाईली ब्रांच्ड कौन सा है, वो ग्लाइकोजन है। एनिमल स्टार्च क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल, ये एनिमल के अंदर मौजूद होती है, एनिमल के मसल में, एनिमल के लिवर में स्टोर होती है। और अगर हम इसका आयोडीन टेस्ट कराएं तो आयोडीन टेस्ट के दौरान जो ये कलर शो करते हैं, दिस इज द रेड कलर। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को स्केच करूं स्टूडेंट, तो आप देखिएगा इनकी स्ट्रक्चर भी लीनियर है लाइक द ग्लाइकोजन। या देखें मैंने एक लीनियर स्ट्रक्चर दिखाई है ग्लूकोज की, हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज और हाईली ब्रांच्ड है। ये मैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखा रहा हूं, ये हाईली ब्रांच्ड है, ये ऐसे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह सेलुलोज को। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज को। स्टूडेंट याद रहे कि सेल्यूलोज भी होमो पॉलीसेकेराइड्स हैं, बट सेल्यूलोज जो हैं वो स्ट्रक्चरल नहीं, वो फंक्शनल नहीं, स्टोरेज नहीं, बल्कि क्या हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाते हैं।
स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाते हैं। मैं चाह रहा हूँ पहले आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म समझा दूँ कि सेलुलोज कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहली बात कि सेलुलोज इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन। इन केस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स, प्लांट्स में सेल वॉल बना रहे होते हैं। इसके अलावा आप देखें पेपर्स हैं, फाइबर्स हैं, ये भी सेलुलोज बना रहे होते हैं। इसी तरीके से आप देखें सेलुलोज एसीटेट जो है दैट एक्चुअली मेक शटर ग्लास। ये जो कार वगैरह के विंड स्क्रीन होते हैं आप देखें उस पर कोई स्टोन वगैरह लग जाए तो वो यकदम से टूटते नहीं हैं, लेयर्स में टूटते हैं। एक्चुअली वो किसके बने हुए होते हैं, वो भी सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट आप देखें अगर सेल्यूलोज को हम किसी भी बेस के साथ केमिकली रिएक्ट कराएं तो ये एक प्रोडक्ट बनाती है जिसे बोलते हैं राइन। राइन क्या है? दिस इज द सिंथेटिक फाइबर नायलून टाइप स्ट्रक्चर होती है ये राइन। इसके अलावा आप देखें अगर सेल्यूलोज को नाइट्रेट के साथ केमिकली रिएक्ट कराया जाए तो दीज इन्वॉल्व इन एक्सप्लोजिव। सेम लाइक दैट आप देखें सेलुलोज आल्सो इन्वॉल्व इन, सेलुलोज अगर मिथाइल के साथ अटैच हो रही हैं तो आइसक्रीम जो स्मूथनेस नजर आती है आइसक्रीम में या आई ऑन्टमेंट में जो स्मूथनेस नजर आती है वो भी यही सेलुलोज बना रहे होते हैं। स्टूडेंट सेलुलोज में ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में थाउजेंड्स की तादाद में अरेंज होते हैं और इनमें जो लिंकेज है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। लेकिन एक बात जो आपने जहन में रखनी है कि दैट लिंकेज इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और हमारे पास अल्फा एमाइलोज होती है जो इस बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं जो मैक्रोमालिक्यूल्स, जैसे मैक्रोमालिक्यूल्स में मैंने आपको पॉलीसेक्राइड में मैंने आपको स्टार्च पढ़ाया, ग्लाइकोजन पढ़ाया, अब सेलुलोज पढ़ा रहा हूँ, ये जितने भी मैक्रोमालिक्यूल्स हैं डीहाइड्रोजिनेशन सिंथेसिस में ये स्प्लिट हो जाते हैं माइक्रोमालिक्यूल्स में ग्लूकोज में। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्हें डाइजेस्ट कर देती है बट इन केस ऑफ द सेल्युलोज आप देखें बाकी जो लिंकेज था वो अल्फा लिंकेज था। हमारी बॉडी के अंदर भी अल्फा एमाइलेज है, वो इस बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये एक खास किस्म की एंजाइम होती है सेल्युलेज जो प्रोड्यूस करते हैं हर्बीवोर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर्बीवोर के केस में सेल्युलेज कैन डाइजेस्ट द सेल्युलोज, अदरवाइज सेल्युलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फर्दर स्टूडेंट ये पॉइंट आप लोगों के जहन में होना चाहिए तो मैं एंजाइम का नेम लिख देता हूं सेल्युलेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं इन केस ऑफ द हर्बीवोर वो डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्युलोज को, अदरवाइज सेल्युलोज डाइजेस्ट नहीं होते। अगर हम आयोडीन के साथ इसका टेस्ट कराएं तो आयोडीन टेस्ट में ये कलरलेस होते हैं। आयोडीन का अपना कलर जो होता है वो शो हो जाता है बट आयोडीन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। तो दिस इज द सेलुलोज, होमोपोलीसेक्राइड हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म हैं, सेल वॉल प्लांट्स में पेपर फाइबर्स सेलुलोज एसीटेट शटर ग्लास बना रहे हैं,
सेलुलोज बेस के साथ रियॉन बना रही है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और आ जाता है, रियॉन से प्लांट्स हैं जैसे जूट है, जैसे हेम है, इन केस ऑफ दीज प्लांट, ये प्लांट भी सेलुलोज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और सेलुलोज फाइबर प्रोड्यूस करते हैं जिससे बान वगैरह चारपाइयाँ वगैरह बुनने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज जो है, दैट इज एक्चुअली द कॉटन, यानी 90% मोर सेल्यूलोज होता है कॉटन में, जूट में और हेम में 40% लेस होता है। यहाँ पे अगर मैं राइट करूँ तो यहाँ पे सेलुलोज जो है वो 40% लेस है, बट इन केस ऑफ दैट कॉटन 90% जो है वो सेलुलोज है, प्योर फॉर्म है। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ सकती है, ये पॉइंट आपका एज एमसीक्यू आ सकता है, ये पॉइंट एमसीक्यू आ सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये भी एज एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट आपको याद होगा हमने होमोपोलीसेक्राइड के अलावा हेट्रोपोलीसेक्राइड का भी जिक्र किया था। हेट्रोपोलीसेक्राइड आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि जिनमें जो मोनो यूनिट हैं वो सेम नहीं होते। मैं एग्जांपल आपको बहुत सारी दी, जैसे हेमी सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज में सेलुलोज भी है, खुद हेमी सेलुलोज भी है, ज़ाइलन भी है, फर्दर अदर स्ट्रक्चर भी मौजूद होती हैं, जैसे पेक्टिन है, जैसे अगर है, जैसे इसबगोल है, ये सारी की सारी एग्जांपल हैं किसकी, हेट्रोपोलीसेक्राइड की, जिसमें ग्लूकोज का सेम यूनिट नहीं होता। तो स्टूडेंट ये हमने आज पढ़ा पोलीसेक्राइड के बारे में। थैंक यू वेरी मच।